Assalamu alaikum viewers, today I will teach you how can you make gray verified page for free. So it's a Europe trick for all Asians. So aap ye Europe countries se bana sakte hain. To ye ek method hai, ka easy method hai jo aap Pakistan India se baith kar easily bana sakte hain. To sabse pehle aapko ek ID banani hai. ID banane hai, ID kaise banani hai aur kis tarah se banani hai तो वो मैं आपको बताता हूँ. तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, ये हेल्पफुल और आपको सारे डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड करूँगा फॉर फ्री. सबसे पहले आपने एक एक्सटेंशन करनी है, अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से ये करना चाहते हैं, या अगर आप मोबाइल से करना चाहते हैं, एक्सप्रेस वीपीएन या कोई भी वीपीएन आप डाउनलोड कर लें जिसमें यूके और यूएसए की प्रॉक्सी अवेलेबल हो. तो जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपने, जैसे कि मैं इधर एक एक्सटेंशन है वो मैंने डाउनलोड की जिसका नाम है टुनेलो, वो आप चेक कर सकते हैं. इस पर आपने जब क्लिक करना और आपने इधर फ्री अकाउंट बनाना है, जब आप ऐड कर लेंगे तो इस तरह से ये राइट कॉर्नर पे शो होगी. आपने इसको ऊपर क्लिक करना है और इधर गो पर क्लिक कर देना है. जब आप गो पर क्लिक करेंगे ये कनेक्ट हो जाएगी. और आपको ये कैसे पता चलेगा इसकी कनेक्ट यूएसए से कनेक्ट हो चुका है या नहीं, तो ये आपको शो करवाएगा. और अगर आप ब्राउज़र से कंट्री चेक करना चाहते हैं तो आप एक वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है whoer.net, जो कि आपको इसका DNS और आपकी IP एड्रेस आपको बताता है. तो आप चेक कर सकते हैं इधर यूनाइटेड स्टेट यूएस न्यूयॉर्क इसकी लोकेशन है और DNS इसका 172.217.46.76 इसका USA दे रहा है. तो सबसे पहले आपने फेसबुक पर अपनी आईडी बना लेनी है, बनाने के बाद उसको लॉगिन करना है. तो मेरे पास आईडी ऑलरेडी मौजूद है जो मैं बना चुका हूँ, उसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ. यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ. ओपन करने के बाद आईडी आपकी बन चुकी है, आईडी ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, सही. अब आपने करना है, सबसे पहले आपने जिस पेज को वेरीफाई करना है उस पेज को आपने सर्विस कैटेगरीज में रखा. सर्विस कैटेगरीज से मुराद कि आप कोई भी चीज़ सेल कर रहे हैं या कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं. तो इधर मैं ऑलरेडी मेरा जो पेजेस हैं, जैसे कि एड बॉल पूल फैंस, ये एक पेज है जिसको मैं ओपन करता हूँ. ओपन करने के बाद मैं इसके जो मैंने ऐड किया है इसमें, वो मैं आपको दिखा देता हूँ. तो जब भी आप किसी इंटरनेट प्रॉक्सी से कनेक्ट करते हैं यूएसए यूके, तो आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो हो जाता है. सो मैं आपको बता देता हूँ, ये एट बॉल पूल फैंस ये पेज बनाया मैंने, नेम इसका ये रख दिया, यूज़र नेम वगैरह आपने डालना है तो डालने. सबसे पहले आपने अबाउट में जाना, अबाउट में जाने के बाद यहाँ पर इसका एड्रेस यूएसए में होना चाहिए या अभी यूरोप के कोई कंट्री का एड्रेस होना चाहिए, और इसका नंबर भी उसी कंट्री से मैच करना, आप उसका मैच करेंगे. अगर आपका मैच नहीं होगा उससे मुतालिक, तो फिर ये आपका पेज जो है वेरीफाई नहीं होगा और उसमें आपको एरर आएगा, रिजेक्ट कर देंगे. तो आप कैटेगरीज देख सकते हैं, बिज़नेस सर्विस की हुई है मैंने इसमें, और बाकी तमाम फील्ड्स मैंने जैसे कि ईमेल एड्रेस और इसकी वेबसाइट वगैरह मैंने इधर फिल की हुई है. सो दूसरे पेजेस में मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसमें जो मैंने बनाए हुए हैं और उन पर मैं दिखा देता हूँ. जैसे कि ये एक आ गया पेज, और अब मैं इसके अबाउट में जाता हूँ. अबाउट में जाने के बाद ये देखें, इसका भी जो है वो यूएसए का एड्रेस है, यूएसए का फ़ोन नंबर है. मैंने इधर ईमेल नहीं ऐड की, मैंने ना वेबसाइट ऐड करी. तो आपने सब कुछ ऐड करना, और ये आप चेक कर सकते हैं लोकल बिजनेस है. आपने उसी आईडी से बनाना, और उस आईडी से बनाने के बाद आपके 2-3 दिन में वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा. जब ऑप्शन आएगा तो कुछ इस तरह से आपके पास शो होगा. आप मोबाइल से करें या लैपटॉप से करें, सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगी. तो यहाँ पर पेज वेरिफिकेशन पर आपने क्लिक करना है, पेज इज़ नॉट वेरीफाइड, तो आपने वेरीफाइड इस पेज पर क्लिक करना है. और आपने कैसे अपलोड करना है, अगर आपके पास रियल यूएसए का नंबर है तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं.
जैसे टेक्स्ट नाउ, टेक्स्ट प्लस, टेक्स्ट एसएमएस, टेक्स्ट अवेल, ये सारी एप्लीकेशंस वर्क नहीं कर रहे हैं इसमें। वेरी वेरीफाई दिस पेज विद डॉक्यूमेंट्स इंस्टीट्यूट पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने अपलोड फाइल पे क्लिक करना है। अपलोड फाइल पे क्लिक करने के बाद जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पर आपने, वहाँ से आपने अब जिस नेम का आपका पेज है वो आपने अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद सेंड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। ये कुछ सेकंड लेगा अपलोड होने में और आपके पास एक पॉपअप शो होगा, एक मैसेज, वो आप देख सकते हैं कि वी आर रिव्यू योर रिक्वेस्ट टू वेरीफाई दिस पेज एंड कंफर्मिंग योर इंफॉर्मेशन, योर इंटरमेजिट पब्लिक रिकॉर्ड फॉर योर बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन, वी विल सेंड यू नोटिफिकेशन इन ईमेल विद इन अ फ्यू डेज। तो अगर आपका पेज एलिजिबल हुआ तो ये आपका वेरीफाई कर देंगे जल्दी। सो पेज में आपने नंबर ऐड करना है, एड्रेस ऐड करना है, और अगर जितने अगर आपका पेज रियल है तो वो ईजिली वेरीफाई हो जाएगा, और अगर आपका पेज आप शौक के लिए बना रहे हैं तो उसमें मसला होगा, जिसमें एरर आएगा। एरर किस तरीके से आएगा वो एरर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पर हेल्प सेंटर पर क्लिक करना है। हेल्प सेंटर पर क्लिक करने के बाद नीचे सपोर्ट मैसेजेस पर आ जाएं। जब सपोर्ट मैसेजेस पर आ जाएंगे तो आपके पास जो एरर आएगा वो ये आएगा कि हाय, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग अस, टू कंटिन्यू विद योर रिक्वेस्ट वी नीड टू प्रोवाइड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। जो मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था वो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये कह रहे हैं वी एक्सेप्ट द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट्स, अ यूटिलिटी बिल, योर लोकल बिजनेस लाइसेंस, अ टैक्स सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्मेशन, नोटराइज्ड अथॉराइज्ड आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो ये एक्सेप्ट करते हैं, तो कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट्स ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल में, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। शुक्रिया। पास नहीं।